इश्क, प्यार और मोहब्बत। क्यों जब भी इश्क की बात होती है तो बड़े बुजुर्ग रोकते हैं? क्यों हमेशा इस जज्बे की मुखालफत की जाती है? क्यों इस जज्बे को हमेशा बुरा समझा जाता है और बुरा कहा जाता है और इसे रोकने की कोशिश की जाती है? क्यों इश्क को ममनू किया जाता है? मसीह यीशु के अजीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। इश्क, प्यार और मोहब्बत एक ही जज्बे के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़र्क फ़र्क अल्फाज हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक जज्बा नहीं है। इस जज्बे की एक किस्म है जिसके बारे में हमेशा जो बुज़ुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, जो उम्र रसीदा हैं या जो ज़िंदगी का तजुर्बा रखते हैं, उनका रवैया हमेशा से एक ही जैसा है, क्योंकि उन्हें पता है कि मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है। क्यों जब भी इश्क की बात होती है तो बड़े बुज़ुर्ग रोकते हैं? क्यों हमेशा इस जज्बे की मुखालफत की जाती है? क्यों इस जज्बे को हमेशा बुरा समझा जाता है और बुरा कहा जाता है और इसे रोकने की कोशिश की जाती है? क्यों बुज़ुर्गों की तरफ से, खुदा के लोगों की तरफ से, आपकी मजहबी जमातों की तरफ से इश्क को ममनू किया जाता है, इश्क करने से लोगों को मना किया जाता है? इस मौजू पे मैं आपके सामने एक सिलसिला पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने पिछले दिनों इसकी वजह से बहुत ज़ख्म खाए हैं, बहुत दुख झेले हैं, बहुत रोए हैं, बहुत गिड़गिड़ाए हैं। इसलिए अब मैं अपनी नौजवान बेटियों और बेटों के साथ बात करना चाहता हूँ उस इश्क के बारे में जो मेरे बचपन में, मेरे वालदैन के बचपन में, आपकी जवानी में, आपके बच्चों की जवानी में भी ममनू होगा। क्यों चर्च इसके खिलाफ है? क्यों ख़ानदान इसके खिलाफ है? क्यों हमारा मुआशरा इसके खिलाफ है? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें खामी क्या है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी ज़ुबान में, आपके अल्फाज में दुरुस्त और मुतवाजन मुताला पेश कर सकूं, ताकि आप समझ सकें इश्क करें तो दुरुस्त करें, ऐसा इश्क ना करें जो चोरों और उठाई गिरों की तरह करना पड़े। शुक्रिया।